मॉर्निंग क्लास फोर्थ. सो नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 8.5. फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन कॉलम एंड एड. सो आपको इन डेसिमल नंबर्स को कॉलम में अरेंज करना है और आफ्टर देन इनको ऐड करना है. ओके. सो स्टूडेंट अवर फर्स्ट नंबर इज 6.10 प्लस 8.543. अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आफ्टर डेसिमल यहाँ पर है 10th 100 एंड 10th 100,000. सो ये अनलाइक डेसिमल है तो सबसे सिंपल तरीका है ये ऐड करने का कि सबसे पहले आप इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लें. सो हमने यहाँ पर इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया. सो 6.100 एंड 8.543 यहाँ पर 1000 तक के प्लेस थी और यहाँ पर 100 तक की थी, तो हमने यहाँ पर भी 10 पुट करके इसे भी 1000 में कन्वर्ट कर दिया. अब ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गया. अब नाउ हम इनको लिखेंगे, कॉलम में अरेंज करेंगे. अब आपको कॉलम में कैसे अरेंज करना है. सो सबसे फर्स्ट नंबर लिख लेंगे हम 6.100. ओके 6.100. उसके बाद हम कुछ सेकेंड नंबर ऐड करना है. उसके लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हम प्लेस वैल्यू रीड करते हैं डेसिमल नंबर में उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा. ओके. सो हम प्लेस वैल्यू कैसे रीड करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड एंड आफ्टर डेसिमल यहाँ से स्टार्ट करते हैं 10th 100,000. ओके. सो हम वैसे ही यहाँ अरेंज करेंगे. आपको डेसिमल के यहाँ वाले नंबर पीछे से ही अरेंज करने, जैसे आप नॉर्मल एडिशन में कोई भी नंबर पीछे से अरेंज करते हैं तो पॉइंट के बाद आपने यहाँ लिख दिया एट एंड डेसिमल के आफ्टर में वही 10th 100,000. सो 5543. ओके. देन ऐड करेंगे 0 + 3 = 3, 0 + 4 = 4 एंड 5 + 1 = 6, 6 and 8 = 14. सो 14.643 इज अवर आंसर. नाउ बी 18.1 + 5.702. अगेन हम इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पर है 10th 100,000, तो यहाँ पर भी हमने 2 पुट कर दी 10th 100,000. ओके. नाउ 18.100 हमने राइट डाउन कर दिया. नेक्स्ट हम 0.5 यहाँ लिखेंगे. देखिए अब पॉइंट यहाँ 18.100 था, तो पॉइंट हमने यहाँ आगे 5 यहाँ नहीं लिखा. कहाँ लिखना है, 5 हमको यहीं लिखना है. ओके. क्योंकि हम पीछे से प्लेस वैल्यू रीड करना स्टार्ट करते हैं वंस टेंस हंड्रेड और यहाँ पर आप क्या है 5.702, तो आपको यहीं से लिखना है 5.702. आपको यहाँ पीछे से नहीं स्टार्ट करना, 0 से 2 0 7. ओके. क्योंकि हम प्लेस वैल्यू पॉइंट के बाद कैसे रीड करते हैं, 10th 100,000. ओके. ऐसे रीड नहीं करते, इसलिए नाउ इनको ऐड कर देंगे. 0 + 2 = 2, 0 + 0 = 0, 7 + 1 = 8, 8 + 5 = 13. सो 3 राइट डाउन किया एंड 1 = 3, 1 and 1 = 2. ओके. बाकी आपको एडिशन नॉर्मल जैसे आप नंबर करते हैं वैसे ही करना है, कैरी देना है. ओके. बट सिर्फ इनको पहले कॉलम में सेट करना है. नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर ई 326.132, 2.3, 38.98. अब इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. सो लास्ट प्लेस वैल्यू कहाँ तक है, 10th 100,000. सो यहाँ पर 10th है तो हमने यहाँ पर 100,000 लगा दिया. यहाँ पर 10th 100 है तो हमने यहाँ 1000 पुट कर दिया. अभी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गए. फर्स्ट नंबर लिखेंगे 326.132. अब नाउ क्या है, 2.300. सो 2 को हम डेसिमल के पहले 2, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 हमने पीछे यहाँ लिख दिया 6 के नीचे. ओके. 2.300 देन 38.980 अगेन पॉइंट डेसिमल है यहाँ पर और नंबर्स कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, 38 है सो 8 एंड देन 3 एंड आफ्टर डेसिमल 980 सो 980 ऐड करेंगे. 200 = 2, 8 and 3 = 11 सो 1 राइट डाउन किया एंड 1 = 9, 1 + 1 = 10, 11, 12, 13, 14 का 4 राइट डाउन किया, 1 = 10, 8 and 2 = 10, 10 and 6 = 16 एंड 1 = 17 सो 7 राइट डाउन किया, 1 = 3, 3 and 2 = 4, 5 and 6 एंड 3 एज इट इज़ नोट किया. ओके. सेम एज आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर PDF में प्रोवाइड करवाए हैं एंड GH आपका HW है. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द मिसिंग डिजिट. यहाँ पर मिसिंग डिजिट आपको कंप्लीट करनी है, दिया हुआ एडिशन का क्वेश्चन है पर यहाँ कोई डिजिट्स आपको मिसिंग दे दिए तो उनको आपको फाइंड करना है. सो हम इसको एडिशन करके ही फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट 3 + 0 = 3. ओके.
वेन वी एड 0 टू एनी नंबर वी गेट द डिजिट इटसेल्फ, हमें वही डिजिट मिलती है. ओके, देन अब 8 में कितना प्लस करें कि 5 आ जाए. तो यार 5 तो 8 पे प्लस करने पे तो 5 नहीं आएगा, 8 में माइनस करने पे 5 आएगा. तो अब यहाँ तो माइनस नहीं करना, तो आपको क्या करना रहेगा, 8 में कितना प्लस करें कि 5 मीन्स आगे 15 आए. 15 का हम 5 यहाँ राइट ऑन करेंगे, जो 1 आएगा उसको हम यहाँ कैरी देंगे. ओके, तो 8 में कितना प्लस करने पे 5 आएगा, मीन्स 15 आएगा. सो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कितना ऐड करने पे 15 आ रहा है, 7. सो 8 प्लस 7 इज़ 15. 15 का 5 हमने राइट डाउन कर दिया एंड 1 हमने यहाँ पर केट लगा दिया. ओके, 8 प्लस 3 इज़ 11, 11 प्लस 1 इज़ 12. 12 का 2 राइट डाउन कर दिया, अगेन हमने 1 यहाँ केरी लगा दिया. ओके, अब यहाँ देखना है कि 9 में कितना ऐड करेंगे कि 2 आ जाएगा. तो 9 में यहाँ पर 2 ऐड करने पर 2 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 12 लाना पड़ेगा. ओके, सो 9 में कितना ऐड करेंगे, 12 आए. सो 9 में ऐड करेंगे 10, 11, 12, 3 ऐड करना है. ओके, सो हम यहाँ पर 3 ऐड करना, तो 1 तो ऑलरेडी कैरी है, मीन्स यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 2. 9 प्लस 1 इज़ 10 एंड 2 इज़ 12. 12 का 2 हमने राइट डाउन किया, अगेन 1 इज़ कैरी. 6 प्लस 1 इज़ 7. सो आवर आंसर इज़ हियर एंड एडिशन इज कम्प्लीट. नाउ बी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अगेन 4 प्लस 5 इज़ 9. ओके, अब 9 यहाँ आ गया. अब 8 में कितना प्लस करें कि 0 आए, मीन्स 8 में कितना प्लस करें कि यहाँ पर 0 आए, तो हमको 10 लाना पड़ेगा. तो 8, 9, 10, सो हमने यहाँ पर 2 लिखा. ओके, 8, 9, 10 की 0, 1 इज़ कैरी. 6 प्लस 1 इज़ 7. अब आप यहाँ पर 9 लाना है, मीन्स कितना ऐड करेंगे, सो 9 आएगा, 6, 7, 8, 9, 3 ऐड करना है, 1 तो ऑलरेडी कैरी में है, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 2. 6 प्लस 1, 7, 8, 9. एंड यहाँ पर 2 है एंड यहाँ 9 है, मीन्स 2 में कितना ऐड करें कि 9 आए, तो आप काउंट करेंगे 2 के बाद, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मीन्स 2 में आपको यहाँ 7 ऐड करना है, सो आपका 9 आएगा. 7 प्लस 2 इज 9. नाउ वी सॉल्व थर्ड क्वेश्चन. 8 प्लस 5 इज 13. 13 का हमने यहाँ 3 राइट डाउन किया एंड 1 इज केरी. ओके, 3 प्लस 1 इज 4 एंड 4 प्लस 1 इज 5. सो यहाँ हम 1 राइट डाउन किया, 3, 4, 5. ओके, अगेन 6 प्लस 3 इज 9 एंड 5 में कितना ऐड करें कि 9 आ जाए, तो 5 में हम 4 ऐड करेंगे. 6, 7, 8, 9, 4 ऐड करने पे 9 आ रहा है, सो 5 प्लस 4 इज 9. ओके, क्वेश्चन डी इज़ योर HW. ओके.